नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोर्ट्स लाइव में। तो डिज्नीलैंड जो हर बच्चों का फेवरेट है, हर यंगस्टर का फेवरेट है, जी हाँ। तो डिज्नीलैंड अभी खत्म हुआ था पाटलिपुत्रा से, और अब लग रहा है गांधी मैदान में आप लोगों के लिए, पटना वासियों के लिए। तो आइए आपको कुछ जानकारी दे देते हैं डिज्नीलैंड को लेकर। तो ये कब स्टार्ट हो रहा है? ये 22 नवम्बर को ओपनिंग होगा। 22 तारीख से मेला स्टार्ट हो जाएगा। कौन ओपनिंग कर रहा है? अभी हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं है। उद्योग मंत्री और माननीय मंत्री, महापौर, ये सब करेंगे। अभी अनुमानित है, अभी आगे देखते हैं कि कितने दिन रहेगा ये डिज्नीलैंड। ये डिज्नीलैंड 5 जनवरी 2024 तक चलेगा। और इसमें क्या क्या नए नए झूले होंगे? नए नए झूले में जैसे सोलंबो है, रशियन झूला है, नौका जो इस बार लग रहा है वो डिफरेंट नौका है। मतलब एक साथ इतने सारे लोग, 125 लोग एक साथ बैठेंगे। 145 लोग का जी, एक बार लग रहा है बिहार में। पहला बार बिहार में ये झूला नौका आया है। एक तरंग झूला भी बन रहा है बिहार शरीफ में, वो भी लगने जा रहा है। चाइना से 2 झूला आ रहा है, जिसको एकदम हम लोग सरप्राइज अभी रखे हैं पटना वासियों के। उसी समय बताया जाएगा, उद्घाटन के दिन लोग देखेंगे। एकदम डिफरेंट टाइप से है, कभी अभी इधर माने बिहार यूपी झारखंड में कहीं नहीं लगा। पहली बार हो रहा है। और सेफ्टी और सिक्योरिटी हर झूले की? बिल्कुल, सिक्योरिटी सारा जाँच होता है, डेली जाँच होता है, और 100% सिक्योरिटी है। कहीं कोई उम्मीद है इस बार लोग कितना यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे गांधी मैदान वाले डिज्नीलैंड में रशियन झूला देखने के लिए? ये बिल्कुल नया चीज है, और बिहार वासियों के लिए। और चाइना का झूला आ रहा है। तो आग्रह करते हैं चाइनीज और रशियन झूला का मजा और लुफ्त उठाने के लिए आप गांधी मैदान 22 नवंबर को आ सकते हैं, और हमें जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। 5 जनवरी तक चलेगा, जी हाँ।